इस तरह से जनतंत्र मल्टीपल लेवल पे अब खतरे में, और जनतंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है देश के अंदर। जनता की चलनी चाहिए, जनता अपनी सरकार चुने। अगर जनता की नहीं चलेगी और एक एक किसी व्यक्ति को अगर ये अहंकार हो जाएगा कि हमारी तो 370 सीट आ रही है, जनता की तो जरूरत ही नहीं है, 140 करोड़ लोगों की मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 370 सीट आ रही है, तो उसके बाद जनता कहां जाएगी? जनता अपना घर बैठे, वो कह रहे हैं कि जनता घर बैठे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की पार्टी की हुई बड़ी जीत। चंडीगढ़ में आप प्रत्याशी कुलदीप यादव बनेंगे मेयर। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी कुछ देर पहले ही मीडिया को संबोधित करते हुए चंडीगढ़ में आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार को मेयर बनाने की खबर पर खुशी जताते हुए चंडीगढ़ के लोगों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजय घोषित कर दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 सीटों को मान्य करार देने का निर्देश दिया। इन सभी वोटों को वैलेट पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था। मामले की सुनवाई करते हुए सीजीआई ने कहा कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया, उसके बाद केजरीवाल का प्रतिक्रिया निकलकर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद कुलदीप कुमार ने कहा कि मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। सच को कुछ समय के लिए परेशान किया जा सकता है, लेकिन कुचला और दबाया नहीं जा सकता। सच की जीत होती ही है। चंडीगढ़ में सबसे पहले मेरे द्वारा रुके हुए विकास कार्यों को किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी। आने वाले समय पर चंडीगढ़ में हमारा सांसद भी जीत कर आएगा। आपको बता दें कि इस खबर पर केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट के वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालात में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निरपेक्षता को बचाकर रखना है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताते हुए चंडीगढ़ के नए मेयर कुलदीप कुमार को ढेर सारी बधाइयां दी। अब आइए पहले सुनते हैं कि केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक फैसला आया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे। 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए और जनतंत्र को बचाने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है, ये इस चुनाव के नतीजे ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ, चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूँ, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई।
चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर दिया चुनाव। तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने ये चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के, 35 काउंसलर और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए, 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन कर सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था। आज कैमरे वो लेते हैं, अवतार लेते हैं, भगवान अपने तरीके से इस तरह से करते हैं। इनकी किस्मत खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा, रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इसे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट, तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरा है। पूरे देश को मिलके, 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इसलिए ये भी साफ है, ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके, पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सो मैं फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो भी एक बड़ी चीज़ है कि इनका पूरा षड्यंत्र क्या था, कि षड्यंत्र था कि हमारे अब पार्षदों को तोड़ेंगे ये चुनाव। जैसा मैंने कहा कि पहले तो पूरी कोशिश करते हैं ईवीएम में धांधली कर दो, इसमें धांधली कर दो, किसी भी तरह से चुनाव अगर हार जाएं तो फिर ये काउंसलर्स को तोड़ना चालू कर देते हैं, एमएलएस को तोड़ना चालू कर देते हैं, सरकारें गिरानी चालू कर देते हैं, ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, पैसे की गड्डियां फेंकते हैं उनकी तरफ, सब तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये जनतंत्र थोड़ी है। मैंने अभी यही बोला, ये मैंने वो बोला कि किस तरह से अगर हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, इंडिया गठबंधन के इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है अगर हम संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, स्ट्रैटेजी से काम करें और मेहनत करें, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हमने ये चुनाव में हरा के दिखाया है। नहीं, वो जो स्ट्रैटेजी जीतने की स्ट्रैटेजी है, आप उसमें चिंता मत करो, उसमें जीतेंगे। अभी कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं और काफ़ी अंतिम स्टेज पे बाकी चीज़ें पहुंच चुकी हैं, बहुत जल्दी अनाउंस होगा उनके साथ करना। बाकी सारी चीज़ों पे बात हो रही है, बाकी सारे स्टेट्स में बात हो रही है और कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो गए हैं, काफ़ी अच्छी बातचीत चल रही है और काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। सबका अपना अपना वो है। मैं जो जो लोग देश को बचाना चाहते हैं उन सब लोगों का इंडिया गठबंधन में स्वागत है। सर, आपको लग रहा है लार्ज स्केल मीटिंग भी लोकसभा के समय ये अपोजिशन को इंडिया
देखिए ईवीएम को लेके बहुत प्रश्न उठते रहते हैं, जैसे मैंने बताया इनकी मल्टीपल स्टेजेस हैं। पहले तो ये चुनाव में गड़बड़ करते हैं, तरह तरह की गड़बड़े करते हैं, वोटिंग वोटर लिस्ट गड़बड़ कर देते हैं, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे वो आए हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी भी इन लोगों ने जनता का विश्वास जीतने के लिए ईवीएम के गड़बड़ी जो जो आरोप लगे उसको इन्होंने जनता का विश्वास स्टैंडर्ड नहीं किया। तो ईवीएम के उसके बावजूद भी अगर ये कहीं चुनाव हार जाएं तो फिर ईडी है, ईडी छोड़ देते हैं, सीबीआई है, सीबीआई छोड़ देते हैं, उससे भी कोई नहीं माने, पैसे फेंकते हैं उसके तरफ, उसके बाद ये एमएलए और एमपी तोड़ लेते हैं। इस तरह से जनतंत्र मल्टीपल लेवल पे अब खतरे में, और जनतंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है देश के अंदर, जनता की चलनी चाहिए, जनता अपनी सरकार चुने। अगर जनता की नहीं चलेगी और एक एक किसी व्यक्ति को अगर ये अहंकार हो जाएगा कि हमारी तो 370 सीट आ रही है, जनता की तो जरूरत ही नहीं है, 140 करोड़ लोगों की मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 370 सीट आ रही है, तो उसके बाद जनता कहाँ जाएगी? जनता अपना घर बैठे, वो कह रहे हैं कि जनता घर बैठे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो सुना आपने किस तरह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित कर दिया गया है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बर्डियाल की रिपोर्ट।